आज मैंने खाना खाया तो कल नहीं हर रोज उठ के सपना भर के मैं एक इंटरव्यू जाता था रिजेक्शन लेके आता था रोता था आप कैसे बोलोगे आपको इंग्लिश आता है हिंदी आता है आपको पहले समझो तो सही क्या बोलना है फिर बोलोगे मैं सोचा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूंगा बस फाइनली जाके एक कॉल सेंटर ने मुझे वो मौका दिया जो हर एक छोटे इंसान का जो छोटे गांव से बिलोंग करता है उसका सपना होता मुझे आज भी याद है बीस रुपये लेके मैं दिन भर काटा करता था जिसमें एक वड़ा पाऊँ और एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में मैं इसके लिए लिया करता था जहाँ पे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था मुझे न्यूज़पेपर, को सिर्फ नौकरी ढूँढ पाऊँ क्योंकि उस समय में मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम पाने की चाह रखता था मैं उड़ीसा से आया हुआ एक लड़का जिसको सिर्फ़ और आती थी और कुछ भी नहीं आता था हिंदी, इंग्लिश बहुत दूर की बात थी मेरे लिए लगातार दस इंटरव्यू फेल होने के बाद एक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद को एक रिजेक्शन के तौर पे लेने लगा मैं खुद को फेस नहीं कर पा रहा था किसी के सामने स्पेशली मेरे घर वालों के सामने और मुझे ऐसा लगा उस वक्त पे जहाँ पे और कोई लाइफ आपको मौका नहीं देगी और आप किसी के लायक नहीं हो इट्स बेहतर होगा नो सुसाइड कर लो ये सोचने लगा मैं लेकिन वो एंड नहीं था आज मैं जो सपने मेरे बचपन में हुआ करते थे कि मैं ऐसे बचपन बिताऊंगा वो सब मैं मेरे बच्चे को दे रहा हूं और एक अच्छा खासा पगार कमा रहा हूं मेरे कंपनी से मैं ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ कॉल सेंटर के जॉब की वजह से हेलो मेरा नाम है गौतम राजगुरु और यह है मेरी कहानी एक छोटे से गांव से निकल के शहर में आके अपने नसीब को आजमाने के चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे बचपन में मेरा बचपन बहुत साधारण था सपने बहुत थे लेकिन सब सपने पूरे नहीं होते हैं मेरे भी पूरे नहीं हुए बचपन में मेरे पिताजी में से मुझसे दूर हो गए उसके बाद तकलीफें तो आई रहीं रही घर में लाइट नहीं था पढ़ाई करने के लिए खाने का प्रॉब्लम आज आज मैंने खाना खाया तो कल नहीं पढ़ाई ऐसे तैसे करके मैंने कंप्लीट कर लिया आगे किया ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं था ये सवाल सबके जहन में था मेरी मां मेरे घर वाले उम्मीदें तो बहुत थी जब पहली बार मैं पुणे में आया इतने सारे लोग इतने जो मैं टीवी में देखा करता था आज मैं उनको लाइव देखता था और यह सवाल पहले मेरे जहन में आया क्या मैं इनको मैच कर सकता हूं जिस गांव से मैं आया और मैं जब इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखने लगा तो पता नहीं मुझे मेरे जहन में कुछ और डर भर गया पहला तो बात करना नहीं आता था भाषा नहीं पता थी हिंदी सीखना था हिंदी पढ़ाई तो किया था मैंने बोलना नहीं आता था सीखना था बहुत आगे जाना था लोगों को पहचानना था उनसे बात करना था उनको जानना था लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस वो मेरे में बिल्कुल नहीं था और जब इतने लोगों को मैंने देखा वो और कम होते गया अभी मैं लेके चलता हूँ मेरे सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में जहाँ पे मैं पुणे में एक छोटे से कमरे में रहना चालू किया मुझे आज भी याद है वो एक चॉल में हुआ करता था छोटा सा कमरा आपने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे ख़त्म सोना वहाँ पे खाना वहाँ पे बैठना वहां पे हंसना वहां पे रोना वहाँ पे सोच में बहुत हिम्मत भर के आया था मैं एक छोटे से गाँव से लेकिन क्या हो पाया और क्या होने वाला था मुझे कुछ आइडिया नहीं था हर रोज उठ के सपना भर के मैं एक इंटरव्यू जाता था रिजेक्शन लेके आता था रोता था बैठता था खुद को समेटता था और बोलता था कल कुछ नया होगा ऐसे बहुत नए दिन गए ऐसे बहुत दिन रोए कभी किसी के कंधे पे और कभी खुद कॉन्फिडेंस ऐसे ही हो जाता है नहीं बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस के पहले बहुत मार पड़ती है जिंदगी से और उससे बाहर आना इतना आसान नहीं होता मैं आपको एक चीज एक वाक्य सुनाता हूं मुझे आज भी याद है एक इंटरव्यू में एक एच ने मुझे पूछा था कि आपका एज क्या है और उन्होंने मुझे पैन कार्ड मांगा बेझिझक और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना पैन कार्ड मेरे सामने फेंका और बोला ये देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उनका एज सिर्फ 24 साल का था और मेरा तभी उम्र था तकरीबन 25-26 साल का और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है आप क्या बन पाओगे जिंदगी में आपकी जिंदगी तो आधा गुजर गई है आपको तो आज ये भी नहीं पता है, आपको बोलना क्या है आप समझ सकते हो एक ग्रेजुएट जो अच्छा खासा एक एवरेज स्टूडेंट था अच्छा पढ़ाई किया था और आज को उसको ये सुनना पड़ रहा है एक इंटरव्यू के सामने कैसा फील होता होगा यानी धजिया उड़ जाती है कॉन्फिडेंस की तभी तभी कैसे कैसे करके मैं घर आया और उस दिन मेरे जहन में ये आ गया कि बस हो गया बस और नहीं जिल्लत की भी एक लिमिट होती है और मैं सोचा कि बाबा आज मैं आर या पार वाला फैसला करूंगा और ये मेहनत और नहीं होगी मुझसे यानी मैं हार चुका था अपने आप से ये सराउंडिंग से हार चुका था मैं मैं सोचा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूंगा बस लेकिन मैं आपको पहले बोला था हर चीज का हल सुसाइड नहीं होता है डर है लेकिन डर का सामना भी एक जरूरी चीज़ है मेरी माँ ने मुझे एक चीज बोला था कि तू जा रहा है एक चीज हमेशा याद रखना अपने अप, अपने में अपने को ढूंढना पहले दुनिया में बहुत सारे तकलीफें आएंगी चैलेंजेस आएंगे करना किसको है हमें करना है कैसे करना है उसका सॉल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है उसको मैंने जहन में रखा मुझे और ही आता था और जो कॉल सेंटर में मैंने ज्वाइन किया और सक्सेसफुली मैं वहां पे गो थ्रू किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ओरिया लैंग्वेज की वजह से हो पाया एक कीबोर्ड लेके आया मैं टूटा हुआ कीबोर्ड मेरे पास पैसे नहीं थे कोई कीबोर्ड खरीदने के जिस सोसाइटी में रहता था मैं चौल में वहां पे किसी के घर में जाके मैंने रिक्वेस्ट की उनके कीबोर्ड को नो मांगने की और वो कपल ने मुझे दे दिया थैंक्स टू देम उन्होंने मुझे कीबोर्ड दिया मैंने सात दिन घर में बैठ के एबीसीडी तक प्रैक्टिस किया कीबोर्ड में आप ये सोचते होंगे आप ग्रेजुएट हो हाँ मैं ग्रेजुएट था लेकिन हर ग्रेजुएट अपने गांव से कंप्यूटर लेकर नहीं आता है और ना ही उसको वो मौका मिलता है कंप्यूटर के सामने पढ़ाई करने का जहां पे मैंने तीस इंटरव्यू पैंतीस चौंतीस इंटरव्यू क्लियर करने के बाद इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं हारने वाला नहीं है और ये कोशिश मुझे रखनी है अपने आप को अपने स्किल्स को अलग लेवल पर अलग मुकाम पर लेने के लिए और मैंने ये ठान लिया था मुझे करना ही है मैं सिलेक्ट हो गया लकीली उसके बाद मेरी मेहनत चालू हुई एक दरवाजा मैंने पार कर लिया मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा था मेरे लिए जिसका सपना मैं देखता था जब मैं पुणे आया था कि मुझे जॉब मिल जाए आज मुझे जॉब मिल चुका है कॉल सेंटर में मैंने जॉब किया अपॉर्चुनिटी मिली फाइनली जाके एक कॉल सेंटर ने मुझे वो मौका दिया जो हर एक छोटे इंसान का जो छोटे गांव से बिलोंग करता है उसका सपना होता है तो चलिए आपको वो जर्नी में लेके जाऊंगा मैं अभी चैलेंज ये था ओरिया तो मुझे आता है तो मैंने काम करना चालू ट्वेंटी सिक्स जनवरी का फंक्शन था ऑफिस में और डिबेट कंपटीशन का एक नोटिस बोर्ड में मैंने इश्तेहार पढ़ा कि डिबेट कंपटीशन है और जिनको नॉमिनेट करना है अपने आप को वो कर सकते हैं इंग्लिश में करना था हिंदी में नहीं और ना ही ओरिया नाम नॉमिनेट कर लिया मैंने अपने आप को लिख के लेकिन सामने से कुछ ऐसे रिएक्शन आए आप कैसे बोलोगे आपको इंग्लिश आता है हिंदी आता है आपको पहले समझो तो सही क्या बोलना है फिर बोलोगे जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि आपके बारे में लोगों को सोच क्या है कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे मैंने वहां ठान ली कुछ भी हो कितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा और यही लोगों को दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या हूं मैं एसोसिएट था जहां पे कॉल सेंटर में कॉल लेना पड़ता था मैंने बहुत सारे कॉल लिए लैंग्वेज में बहुत सारे मैंने चेंजेस किए हैं औरिया तो आता ही था मुझे हिंदी सीखना चालू क्योंकि मैं पुणे में था और महाराष्ट्र का लैंग्वेज होता है मराठी तो वो भी मुझे समझ में आने लगा बहुत बड़ी बात होती है आपको लगता होगा ये क्या है आपने तो सीख लिया लेकिन आपको ये पता नहीं है जब आप कॉल सेंटर में काम करते हो आप हर दिन कस्टमर से बात करते हो ये और ये एक ऐसा मौका होता है जब आप सीखते हो कि सामने वाला कैसे बात करता है और आप कैसे आपको कैसे बात करनी है ये एक ऐसा स्किल है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता और आपको कहाँ मिलेगा इसका एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस ये सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर में मिलेगा जर्नी चालू हुई मौके मिलते गए मैं जीतता गया मौकों को लोगों को प्रूव करता गया कि मैं कुछ कर सकता हूं और यही जो मोटिवेशन था ना खुद को खुद में देखने का लड़ने का जज्बात था मेरे में और वही जज्बात ने मुझे एक दिन मौका दिया उसी कंपनी में कॉल सेंटर में एज ए क्वालिटी काम करने का फिर तो एक मुकाम हासिल हो गया फिर आगे बढ़ने का और रास्ता खुल गया मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना हम उसको अंग्रेजी में मेरी ज़िंदगी में हुआ और उम्मीद के ऊपर हुआ जो मैंने सोचा नहीं था और वो ऐसे अभी ऑपरेशन में मेरे पास एक और मौका था और सीखने का और कुछ कर जाने का मैंने उस मौके को बहुत बहुत ही यू नो पॉजिटिव में लिया और आगे बढ़ा अभी क्या था मेरे पास चैलेंज क्या थे चैलेंज थे और लोगों से बात करना और लोगों से मिलना उनको पहचानना इंग्लिश और सीखना मैंने किया एक पांच छह साल पहले जहाँ मैं ज्वाइन हुआ था और आज के दिन में मैं खुद को कंपेयर करता गया मैं पहुँचा पहुंचा हूं। जिन लोगों ने मुझे बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं बोलना नहीं आता सर आप क्या बोलोगे जाके उनको मैंने ये बोल के दिखाया कि मैं बिल्कुल बोल सकता हूं इंग्लिश ही क्यों कोई भी लैंग्वेज मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ और यह कड़ा जवाब था उनके लिए और मेरे लिए सीख था और जीत थी मेरी पहली जीत जिस जीत ने ये बुनियाद खड़ी की मेरे लिए कि मैं आगे जाके ऐसे बहुत लोगों को सवाल का जवाब दूंगा जो वो सोच भी नहीं सकते और ये सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता है ये आप भी कर सकते हो अगर आपने खुद को पहचाना है वहां से मैंने मेरे जर्नी को चालू किया जीतने की क्योंकि मेरे साथ अभी पता है कौन है कॉन्फिडेंस है मेरा मैं खुद नहीं हूं मैं काम कर रहा हूं मेहनत कर रहा हूं कॉन्फिडेंस मेरे साथ है और मैं आगे बढ़ रहा हूं बहुत सारे अप्रिसन मिले हां बहुत सारे तालियां बजी मेरे नाम पे ट्रेनिंग रूम में बच्चे आके मुझे बोले सर आप बहुत अच्छे हो आप अच्छे, बच्चे बहुत लोग तो जुड़ गए मुझसे और ये बोलने लगे आ, सर आप इतना अच्छे बात कैसे कर सकते हो आप सोचिए मुझे पीछे लेके क्या ये पॉसिबल था मेरे लिए मैं वही इंसान हूं जो आपको कुछ समय पहले बोल रहा था कि मैं आत्महत्या करने के रेडी हूं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जिंदगी में और आज वो पलट गया सपना ही है ना नहीं ये हुआ है और क्यों हुआ है कॉल सेंटर की वजह से बहुत बड़ी जर्नी होती है सीखना आपके ऊपर है मैंने अपनी जर्नी चालू किया था एसोसिएट से कॉल सेंटर में कॉल लेते हुए वहां से मैं ट्रेनर बना ट्रेनर से मैं ऑपरेशन में जाके टीम लीडर बना टीम लीडर से मैं सीनियर टीम लीडर बना आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा जो प्रोफाइल है वो है बिजनेस फिनेंस एनालिसिस्ट का आप सोच रहे हैं ना कि ये छलांग जो है छोटा बड़ा चल, छोटा मोटा छलांग नहीं है बहुत बड़ा छलांग है लेकिन हाँ आगे बढ़ना है ये खत्म नहीं है आज भी ऐसे बहुत सारे गौतम आते हैं बड़े बड़े शहरों में आते हैं छोटे गांव से सपने लेके वो आते हैं और वही सपना कुछ लोगों का कंप्लीट हो पाता है और कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। इनका नहीं हो पाता है मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूं सपने को मत छोड़िए सपने लेके आइए कोशिश कीजिए कोशिश तब तक कीजिए जब तक आपको लगे कि आपने मुकाम हासिल नहीं किया है कोई भी हार हार नहीं होती है किसी ने आपको मुंह पे बोला आपको नहीं आता है नहीं आता है इट्स ओके okay. सीख तो सकते हैं ना सीखिए और सीखने के लिए कोई दिन महीने कम नहीं पड़ जाते हैं यार आपको सालों सीखने के लिए सीखिए क्योंकि हार गए ना तो जिंदगी खत्म होगी आपकी और यही कॉल सेंटर्स आपको मौका देते हैं आपकी जिंदगी को बनाने का मेरी तरह जो छोटे गांव से आते हैं जो खुद को पहचानते नहीं है और सोचते हैं कि हम कुछ कर कुछ कर लेंगे आगे जाके वैसे लोगों के लिए छोटे गांव के लोगों के लिए मेरे लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपने आप को ढूंढिए कहा कैसे आप सीख सकते हैं कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है आपकी जिंदगी में क्या आप कर सकते हैं खुद को ढूंढिए सवाल कीजिए खुद से प्रिपरेशन कीजिए मेहनत मेहनत एक चीज में बोलूंगा आप सबसे मेहनत जिसका सब्सिट्यूट नहीं है आप ये नहीं बोल सकते मेहनत में नहीं करूंगा मैं कुछ और कर लूंगा नहीं होगा सर सक्सेस पाने ही आपको मिल जाएगी लेकिन सक्सेस के लिए जो मेहनत पीछे लगती है ना वो आपको लेके आनी पड़ेगी और वो कभी होगा जब आप खुद पे विश्वास करोगे कि मैं हूं मैं कर दूंगा आज नहीं तो क्या हुआ आज मेरा दिन नहीं था कल मेरा दिन है और कल आएगा अगर आपको भी मेरी तरह कोई मुकाम हासिल करना है तो आपके लिए जो स्टॉक लेके आया है अपना टेलीकॉलिंग प्रोग्राम जो 21 दिनों में आपको उस मुकाम तक तो ले ही जाएगा जहां पे आपको 100 परसेंट गारंटी के साथ एक जॉब मिल जाए टू नो मोर अबाउट दिस प्लीज क्लिक द लिंक इन द बायो इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें